नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज है 25 मई 2023, बृहस्पतिवार का दिन है। सुबह के बजे हैं 6 और आज हम आपको दिखाते हैं कि देसी तरीके से मट्ठा माखन कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जब भी कोई हम नया वीडियो डालें तो वीडियो आपको तुरंत आपके पास तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू, दिखाते हैं आपको मट्ठा बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों ये है बरोसी, इसको बोलते हैं बरोसी, हमारे यहाँ बरोसी बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले 5 उपले डालने के बाद आग कर ली है और ये सारे उपले सुलग गए हैं, इसमें आग जो है एंटर कर गई है। अब हम इसमें हंडिया में तो अम्मा जी ले आई हैं दूध, और ये देखिए ये है हमारा ठंडा, क्योंकि इसमें रखा जाता है भरोसे में, तो सारा ये काला हो रहा है, बाहर से काला हो जाता है, अंदर से इसकी सफाई कर देता हूँ। तो मम्मी जी ने जो है इसमें दूध छानने के बाद जो छली लगाई है, जो भी कोई गंदगी होगी वो इसमें निकल जाएगी, हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं। और लगभग ये जो है 3 किलो दूध मम्मी जी ने इसमें डाल दिया है। देखिए ये जो है बनोसी में अम्मा जी ने लगा दिया है, और ये दूध शाम तक इसी आग में पकता रहेगा और पकते पकते बिल्कुल लाल हो जाएगा, और इस पर लगभग आधे से 1 इंच मोटी मलाई चढ़ जाएगी, और शाम को इसको जो है जमाने के लिए दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है, और जब ये जम जाता है तो अगले दिन जो है इसको हम चला लेते हैं, मट्ठा उसका मट्ठा फेर लेते हैं। अब दिखाते हैं आपको अगला प्रोसेस। तो देखिए अगला प्रोसेस होता है शुरू, ये शाम का हम ऊपर उठा देते हैं, ये शाम का जमा हुआ मट्ठा, तो ये दही जम चुका है और इसको जो है इसका मट्ठा बनेगा। अम्मा जी ने जो है इसमें बिजली वाली जो मशीन है वो लगा दी है, हालांकि अम्मा जी हाथ वाली मशीन चलाती थी, लेकिन हमारे जो कर्मचारी संतोष जी वो चले गए हैं, इस कारण जो है अम्मा जी को थोड़ा भैंसों के काम में दूध निकालना वगैरह पड़ता है, तो इनकी एक्सरसाइज हो जाती है उसी में, तो अब ये बिजली वाली मशीन से मट्ठा जो है चलाती है। मशीन डाल दी है इसमें, अम्मा कर दो रेडी इसको। इसी बीच ये देखो एक आवारा बछड़ा ये आ चुका है घर में, और मैक्स जो है इसको भगा रहा है। नहीं मैक्स नो, दिखाना जरूरी था कि अचानक से ये क्या हो गया। तो अब चलते हैं सीधा मट्ठा प्रोसेस की तरफ। अम्मा जी हमारी बैठ रही हैं तो पकड़ के, और देखिए जो है मचानी और घूमनी शुरू हो गई है, और इससे लगभग 10 मिनट के अंदर ये जो है मट्ठा हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल नेचुरल तरीका है, और इतना स्वादिष्ट इतना अच्छा मट्ठा निकल के आता है कि अगर आप पिएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही जो है प्रकृति की गोद से ही निकल के आया है। चलते हुए 2 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्या प्रगति हुई है इसमें। लगभग जो है आने की कंडीशन में है, मम्मी जी कह रही तैर रहा है, तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालना पड़ेगा।
क्योंकि शाम का गर्म दूध होता है तो अगर गर्माहट रह जाती है तो घी आने में थोड़ी सी दिक्कत। भरोसे में धरना पड़ रहा है, बिल्ली सिल्लियों को मारे कोई। नहीं तो गरम रह जावे उसमें इस मारी। तो आप पानी डाल दिया ठंडा फ्रिज का, तो उससे क्या होगा, जो गर्मापन है गर्मपन है जो माखन तैर रहा है पिघल रहा है वो थोड़ा जो है एकत्र हो जाएगा। अम्मा के हाथ का मट्ठा बहुत मशहूर है हमारी का, और दूर दूर तक इसकी फरमाइश है, क्योंकि हम केवल अपने लिए ही रखते हैं। छोटा सा हंडा है इसमें लगभग 5 लीटर मट्ठा हो जाता है, लेकिन उसकी इतनी डिमांड है, कभी कभी तो हमें भी पीने को नहीं मिलता अम्मा। हमारी अम्मा जी की आदत ऐसी, अगर कोई आ जाए घर के लिए नहीं रखेंगे, और मांगने वाले को मट्ठा दे देती है। इस बात पर कल हमारे भैया जी नाराज हो गए, वो ऑफिस जाते हैं लेके मट्ठा, और अम्मा जी ने जो है मट्ठा पहले ही रुखसत कर दिया, तो वो नाराज हो गए, बोले मट्ठा लेके जाऊंगा नहीं। गिलास बैग तुम्हारा पी गया, बतला के दिया आज। इसलिए आज जो है मैंने सुबह कह दिया कि भैया जी को नाराज नहीं करना, पहले ही मट्ठा जो है उनको दे देना। एक बार फिर देख लेते हैं क्या हाल चाल। ये देखिए कितना सुंदर माखन आ गया है, तो अम्मा निकाल देंगे से और भी चलाएंगे अभी थोड़ा सा और चला लेंगे। हाँ थोड़ा सा और चला देते हैं अम्मा जी, थोड़ा और भी ढीला है, थोड़ा और टाइट हो जाएगा माखन, फिर चला जाए। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर कितना प्यारा कितना नेचुरल घी निकल के आया है। घी को भी वो मांग रहा है, वही तो आया था फोन उसके साथी का, 5 किलो घी दे दो। वहाँ उसकी घरवाली कह रही लड़की के कोई पास मेरे दो बच्चा बच्चा होगा 5 किलो घी को, मैंने यहाँ तो बतेरा परिवार है हमारे, इतना कहाँ जुड़ पा रहा है। 15 लोगों का परिवार है हमारा, तो ये समझो रोजाना हमें ज्यादा में 200 ग्राम 250 ग्राम घी रोज चाहिए हमें। आधा किलो में तो थोड़ा बहुत ही बचा है मखनी में। अब जितना हमारा ये माखन निकलता है तो लगभग शाम तक सारा कंज्यूम हो जाता है, ताज़ा ताज़ा मक्खन बच्चे छोड़ दे ना। हाँ थोड़ा बहुत बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा बच के उसमें बहुत तय जाएगा, बस इतना हो जाए 2-4 किलो भी बस इतना तो हो जाए। सवेरे घर आ गया साँझ तो वो रखा है 2-4 रोटी चुपड़ी चुपड़ी छुट्टी हो गई, जिससे पूरा हार के बालों बच्चे खा मैं ना खा मैं जहाँ गिनना सब वही करें खर्चा तो सभी है। साफ घी भी निकल गया मक्खन मक्खन भी निकल गया, ये दिन में मक्खन मर जाता है इतना मक्खन घर का खरीब। क्या कह रहे क्या कह रहा है मोटा कौन तो होने पड़ा है, ये मट्ठा हो गया साहब। तो दोस्तों देखिए ये है बिल्कुल देसी नेचुरल तरीके से तैयार शानदार मट्ठा, और ये है आप मम्मी के हाथ में माखन।
तो बहुत ही बढ़िया रहता है स्वास्थ्य। अब एक बार जो है एक गिलास मट्ठा पूरे बाद में पी के उसका हो जाए। तो दोस्तों देखिए मट्ठा है जग में, गिलास में मट्ठा कर लिया है, और ये है हमारी कटोरी में गुड़। तो ये है सर्व के लिए रेडी। तो आइए आप भी, आपका स्वागत है, मट्ठा एंजॉय कीजिए और हम पी लेते हैं मट्ठा। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। अगले ब्लॉग तक के लिए नमस्कार।